हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो होने वाला है हजार्ड लाइट इंस्टॉलेशन के ऊपर, वो भी डोमिनार 400 में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हजार्ड लाइट क्या होता है। तो बहुत सारे जन को पता नहीं होगा कि हजार्ड लाइट क्या होता है। हजार्ड लाइट एक व्हीकल का फीचर है जिससे दोनों जो है साइड लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, जिससे पता चलता है कि कुछ हजार्ड हुआ है या फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ है गाड़ी में। मेरे एक्टिवा में भी मैंने फीचर लगाया हुआ है हजार्ड लाइट का। ये ऑलमोस्ट सब कार जो होता है सब गाड़ी में होता है, बट बाइक्स में कम होता है। कुछ जो टॉप एंड बाइक्स होते हैं जैसे कि सुपर बाइक्स ले लो, वो बाइक में ये फीचर होता है। बट आप ये फीचर जो है अपने मोटरसाइकिल में भी लगा सकते हो। ये फीचर से क्या होता है, आप कभी भी हाईवे में जा रहे हो तो बाइकर्स लोग का कैसा थोड़ा विजिबिलिटी कम रहता है, ये बाइकर को ज्यादा विजिबल करता है। ये जो हजार्ड लाइट है सिमटेक कंपनी का है, जिसमें आपको फ्लैशिंग के मोड्स भी मिलते हैं, जिसमें आपको कम से कम 20 फ्लैशिंग मोड्स मिल जाते हैं। रेनी सीजन में आपके जो व्हीकल है उसका विजिबिलिटी बढ़ा देता है। और एक अच्छा फीचर भी, अगर आपका कुछ समझो ब्रेक डाउन हो गया कोई बीच के हाईवे में, तो आप हजार्ड लाइट ऑन कर सकते हो। उसी को पता चल जाएगा हाँ कि यहाँ पे कुछ हुआ है करके इन लोगों ने हजार्ड लाइट ऑन किया है। हजार्ड लाइट में क्या होता है, जब भी हम लोग इंस्टॉल करते हैं तभी थोड़े बहुत वायर्स कट करने पड़ते हैं, बट ये कंपनी ने एक ऐसा मॉड्यूल बनाया जिससे वायर्स कट नहीं करना पड़ेगा। समझो आपका नया गाड़ी है तो एक साल के अंदर तो आप कोई वायर्स कट नहीं करोगे, कि अगर आप वायर कट करोगे तो आपका वारंटी वॉइड हो जाएगा। तो हजार्ड फ्लैशर ये प्लग एंड प्ले, आपको कुछ भी वायर्स कट नहीं करना है। एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, कंप्लीटली इंडियंस लोग ने बनाया ये प्रोडक्ट। जो फ्लैशर है सभी पल्सर्स के लिए अवेलेबल है, सीबीआर के लिए अवेलेबल है, अपाचे के लिए अवेलेबल है, रॉयल एनफील्ड के ऑलमोस्ट बाइक्स के लिए अवेलेबल है। लोग कंपनी के टीम से मैंने बात किया हुआ है, तो केटीएम के लिए इन लोग का भी वर्क चल रहा है। केटीएम के लिए इन लोग थोड़े दिन में जल्द से जल्दी एक प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे केटीएम। सबसे पहले आपको मिलता है एक हजार्ड लाइट का पूरा मॉड्यूल। ये मॉड्यूल ही आपका मेन यूनिट है, जो कि एक पूरा वाटरप्रूफ है और वाटरप्रूफिंग पूरा टेस्टेड है इसको। तो आपको एक मिलता है एक स्विच, जो स्विच से आप ऑन ऑफ कर सकते हो हजार्ड लाइट को। और स्विच के नीचे आप देख सकते हो एक बटन है, ये बटन की मदद से आप जो फ्लैशिंग का मोड है उसको आप चेंज कर सकते हो। ये ऑन ऑफ का बटन है और ये फ्लैशिंग मोड चेंज करने का बटन है। मेक इन इंडिया, उसके बाद है वाटरप्रूफ, उसके बाद है रिलायबल, उसके बाद है बेस्ट चॉइस ऑफ द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट का प्राइस है 1899 रुपीज। अभी इसके प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं तो इसका प्राइस है 1899 रुपीज, बट एक कंपनी का ऑफर चल रहा है फिलहाल वेबसाइट पे, तो वेबसाइट पे इसका प्राइस है 1499 रुपीज। अभी इन लोग ने कूपन कोड जनरेट किया हमारे व्यूअर्स के लिए, 250 रुपीज का आपको डिस्काउंट मिलेगा इस पे। यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा कूपन कोड और डिस्क्रिप्शन में आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगे, वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो कूपन कोड अप्लाई करने का तो इसका प्राइस हो जाता है 1249 रुपीज, और 1249 में आपको साल का गारंटी मिल जाता है, अनकंडीशनल गारंटी। ये जो मॉड्यूल है इसको पानी लग गया, इसको डैमेज हो गया, ये शॉर्ट सर्किट हो गया या कुछ भी हो गया, तो कोई एक रिप्लेसमेंट मिल जाएगा, और वो हैंड टू हैंड रिप्लेसमेंट अगर आपने दिया तो डायरेक्ट फिर रिप्लेसमेंट मिल जाता है, वो शायद कोई और हजार्ड लाइट कंपनी नहीं कर रही है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज देयर मेन मोटिव। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका दो सॉकेट है, वो कहाँ पे लगाना है वो मैं अभी आपको बता दूंगा। ये जो सॉकेट है वो इसके स्विच पे लगाने के लिए दिया हुआ है, जिसका हम लोग सबसे पहले वाइजर निकालने वाले। वाइजर के लिए ये स्क्रू है, ये स्क्रू है, ये स्क्रू है और ये एक स्क्रू है। वाइजर निकालने का जिसका दो पैनल्स निकलेगा, उसके बाद डायरेक्ट हेड निकाल देंगे। गाइस वाइजर निकालने का, तभी ये स्क्रू निकालना है और यहाँ पे एक ये स्क्रू निकालना है, और सेम यहाँ पे ही ऐसा है, ये एक स्क्रू है और नीचे एक स्क्रू है, तो ये दो पैनल्स निकल जाएंगे। यहाँ का दोनों सब पार्ट्स निकालने का, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो दो एलएन की दिया हुआ है, ये एलएन की और ये एलएन की। दो एलएन की निकालने का, यहाँ पे एक लॉक दिया हुआ है, एक पिन टाइप लॉक दिया हुआ है, ये लॉक, और वैसे ही सेम यहाँ पे भी लॉक है, तो लॉक, ये एक स्क्रू है यहाँ पे और एक ये एक स्क्रू यहाँ पे, ऊपर का भी दो है जिससे पूरा हेड खुल जाएगा। तो आप देख सकते हो इसका पूरा जो है हेड खुल गया है, और ये इसका जो भी वायरिंग्स है, तो वायरिंग का जो भी है अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे क्या वायरिंग करना है। ये तो गाइस ये जो पूरा हेड है इसमें आप देख सकते हो, इसमें एक रेड कलर का सॉकेट है और हमारे सिमटेक में भी एक रेड कलर का सॉकेट दिया हुआ है, तो ये रेड कलर के सिर्फ सॉकेट को निकालना है हमें, तो सिर्फ ये रेड कलर के सॉकेट को निकालना है और इसके जो एंड्स है उसमें सिमटेक को ज्वाइन करना है, जैसे तो डायरेक्ट प्लग एंड प्ले फंक्शन है। यहाँ पे जो है ये स्विच लगने वाला है, तो स्विच लगाने का भी मैं बता देता हूँ कि स्विच कैसे लगाना है। तो गाइस ये इसका स्विच है, स्विच हम लोग हैंडल बार में लगाने वाले हैं, क्योंकि ये सर्कल शेप में है तो हैंडल बार में इजीली माउंट हो जाएगा। इस स्विच के लिए यहाँ पे दो स्क्रूज दिया हुआ है, ये सिर्फ आपको लूज करना है पहले, डायरेक्ट अभी हैंडल बार में इंस्टॉल करते हैं। तो गाइस इसका जो वायर है यहाँ से हम लोग ने अंदर लिया है, और यहाँ से एक गैप है वहाँ से हम लोग ने बाहर निकाला है। वायर जो है इसके मॉड्यूल में कनेक्ट करना है, सिर्फ इजी इंस्टॉलेशन एकदम, इसको कनेक्ट कर दिया, ये पूरा वायरिंग हो चुका है, अभी सिर्फ इसको एक अलग से जगह पर जिप टाई कर, इसका मैं इग्निशन ऑन कर देता हूँ और ये हजार्ड लाइट को ऑन कर देता हूँ, और आप देख सकते हो ये हजार्ड लाइट ऑन है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो ऑन है हजार्ड लाइट, ये दोनों साइड से हजार्ड लाइट ऑन है। तो अभी हम लोग इसको पानी में डालते हैं, और ये नॉर्मल पानी है, हम लोग ने डिप किया हुआ है तो भी कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो पूरा
मॉड्यूल है, ये पूरा सिलिकॉन पैक्ड है और एक जरा सा भी पानी नहीं जाएगा इसके अंदर। रेनी सीजन भी आने वाला है तो आपको बारिश में ये मॉड्यूल का टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। ये रेन इफेक्टेड भी होता है तो वारंटी में ये कवर्ड हो जाएगा। इसका जो पूरा असेंबली है उसको हम लोग बंद कर देते हैं। हम लोग ने जो हजार्ड लाइट प्रेशर वो अच्छे से इंस्टॉल कर दिया और आप देख सकते हो ये ब्लिंक कर रहा है। पीछे से मैं आपको एक बार बता देता हूँ, देख सकते हो पीछे से भी एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है और इसमें 20 मोड्स है। पहला मोड है, सेकेंड मोड, सेकेंड मोड, थर्ड मोड, फोर्थ मोड, फिफ्थ मोड, सिक्स्थ मोड, सेवेंथ मोड, एट्थ मोड, नाइन्थ मोड, टेंथ मोड। दोनों फ्लैशर चल रहे हैं और इसमें एक ओवरराइड फंक्शन भी है। अगर आप इसमें इंडिकेटर देते हो तो इंडिकेटर ही चलता है, ये कट आउट कर देता है अपने आप। अगर आपने लेफ्ट वाला इंडिकेटर दिया तो ये इंडिकेटर ही चल रहा है, बाकी ये वाला नहीं चल रहा है। तो अभी इंडिकेटर को जैसे ही बंद करते हैं हम तो दोनों स्टार्ट हो जाता है। जो KTM के हजार्ड लाइट फ्लैशर में है बट वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, इसके प्राइस रेंज में वो कोई भी हजार्ड फ्लैशर ये चीज़ नहीं कर सकता। तो गाइस जैसे कि आपने देखा हजार्ड फ्लैशर का इंस्टॉलेशन बहुत ही सही चल रहा है, नाइट टाइम में भी एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। नाइट टाइम में कैसा विजिबल एकदम प्रॉपरली रहता है। हम लोग ने हाईवे में भी जाके इसको टेस्ट किया। पर बोल देता हूँ इसका जो लिंक है बाय करने का वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके चेकआउट कीजिए। वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर यू गिव इट अ थम्स अप। सो वही था गाइस आज के इस वीडियो के लिए। आई विल मीटिंग अप माय वीडियो हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। होप यू गाइस सीन माय नेक्स्ट वीडियो एंड डू व्हाट यू लव। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब my channel and don't forget to like this video. Till then wait for my next video. And अभी आपने एक्टिवा में लगाया बट इसमें फ्लैशर फंक्शन नहीं है, वो एक ही बार ऐसे ब्लिंक कर देता है, उसमें देखने को भी पक जाता है एकदम।